नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, आज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फेमस मैक्सिकन डिश वेज बुरितोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। तो दोस्तों, बुरितोस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टॉर्टिया ब्रेड, यानी कि वो रोटी जिससे हम अपना बुरितोस का रोल बनाएंगे। तो टॉर्टिया ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, और इसमें मैं डालूंगा आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और लगभग 30 से 40 ग्राम के आसपास बटर। आप चाहे ऑयल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। सो ये सॉफ्ट बटर है, ये भी मैंने मैदे में डाल देना है। और उसके बाद हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो बटर है उसको मैदे के साथ में ऐसे रब कर लेना है। तो इस तरह से आपने मैदे के साथ में बटर को मसल के इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। और अब अगर आप मैदे का टेक्सचर देखेंगे तो ये जैसे सूजी होता है वैसे हो गया है, ग्रेनी ग्रेनी सा। एग्जैक्टली बोलो तो मैं जैसे रेत के जैसा इसका टेक्सचर हो गया है। तो अब इसमें मैंने पानी डालना है और इसका हम बना देंगे एक डो। और ये जो पानी है ये हल्का गर्म रहेगा, यानी गुनगुना टाइप का रहेगा। तो पानी डाल के हमने एक स्मूथ डो बना लेना है। सो ये हमारा डो हो चुका है रेडी, और अब इसे हम रख लेंगे एक बोल में कुछ देर के लिए, जब तक हम अपना बुरितोस का मिक्सचर रेडी नहीं कर लेते हैं। सो एक बोल में इसको रख लेंगे और इसको एक डस्टर से हम लोग ढक के रख लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो दोस्तों, अब बनाते हैं बुरितोस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसकी स्टफिंग। और स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे मसाला। और मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 1 टीस्पून क्यूमिन, यानी कि जीरा, और इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। लगभग 1 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर यानी कि धनिया के बीज, और इनको भी मैंने रोस्ट किया हुआ है, और पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्च। तो इन सभी को मैंने रोस्ट किया हुआ है और इनको मैं पीस के एक दरदरा सा एक मसाला बना लूंगा। सो ये मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बुरितोस के स्टफिंग बनाना। सो एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा लगभग 1 से 2 टेबलस्पून के आसपास, और तेल के साथ साथ आप चाहें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ही तेल गर्म होता है और बटर मेल्ट होता है, मैं इसमें डाल दूंगा लगभग 3 से 4 क्रश की हुई लहसुन की कलियां, और लहसुन को थोड़ा सा सौते करने के बाद में मैंने इसमें डालना है 2 प्याज स्लाइस किए हुए, और 2 से 3 मिनट तक प्याज भुन जाने के बाद में मैं इसमें डालूंगा 2 से 3 कैप्सिकम जिनको मैंने ऐसे लंबा लंबा काटा हुआ है, और 2 से 3 मिनट शिमला मिर्च भुनने के बाद में हमने इसमें जो मसाले कुटे हुए हैं ये डाल देने हैं। तो लगभग 2 टीस्पून के आसपास ये मसाले मैंने डाल दिए। और इन मसालों के साथ ही हमने डाल देना है लगभग 1 टीस्पून के आस पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे इसका प्यूरे भी बना सकते हैं, और चाहे तो ऐसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। और 1-2 मिनट हमने इसे ढक के पका लेना है ताकि जो टमाटोज की कुकिंग है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। तो दोस्तों, टमाटोज जो हैं वो ऑलमोस्ट अच्छे से गल चुके हैं, और अब हम डालेंगे इसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। एक है राजमा, ये उबाल के रखी हुई है मैंने, और दूसरा है एलोपिनोस। अब एलोपिनोस मुझे मिले नहीं तो उसकी जगह मैंने जो पिकल की हुई चिलीज हैं ये डाली हुई हैं। तो ग्रीन चिलीज को मैंने पिकल किया हुआ है विनेगर सॉल्ट शुगर के साथ में, एक पिकलिंग सॉल्यूशन बना के उसको पिकल करके रखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अब डाल देनी है, और इसको अब अच्छे से हम लोग पकने देंगे,
और जो ये बीन्स हैं इनको हम हल्का सा मैश कर देंगे और इस मिक्सचर को पकाएंगे जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। सो लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद में मेरा जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं डालता हूँ हमेशा इस मिक्सचर में, और वो है ये जो पिकलिंग सॉल्यूशन का विनेगर है ये। सो ये जो विनेगर है ये आपके मिक्सचर को खटास के साथ साथ में एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है, क्योंकि इस विनेगर में मैंने काली मिर्च और लौंग वगैरह सब डाला हुआ है, तो उन सारे स्पाइसेस का और चिलीज़ का फ्लेवर भी इस विनेगर में है, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है आपके मिक्सचर को। सो ये आप ज़रूर डालिएगा। सो इस तरह ये मिक्सचर ड्राई हो जाने के बाद में हमने इसको निकाल लेना है एक बोल में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो दोस्तों मिक्सचर तो रेडी हो चुका है और वापस आते हैं अपने डो पर और हम बनाते हैं अपने पोटिया ब्रेड, यानी कि जो रैप के लिए रोटी हमें चाहिए। और अब इनको हम बेल के रोटियां बना लेंगे। और जो भी साइज की आपको तोर्टिया ब्रेड चाहिए बेल के आपने उन्हें पका लेना है। तो दोस्तों सारी की सारी जो तोर्टिया ब्रेड्स हैं उनको मैंने बेल लिया है और अब हम उन्हें पका लेते हैं। तो ये मैंने एक पैन लिया है और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में आपने रखना है, और उसके बाद ये पतली पतली जो हमने तोर्टिया ब्रेड्स बेली हुई हैं इनको हमने डालना है तवे में, और ये जो ब्रेड्स हैं बिल्कुल हाई फ्लेम में पकेंगे और जल्दी से आपने पका के इसको निकाल लेना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही एक साइड से थोड़े बबल्स आपको दिखें आपने इसको पलट लेना है, और इसी तरह से थोड़ी सी दूसरी साइड से भी पकाने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, तोर्टिया ब्रेड को निकालने के बाद हमने इसको ढक के रखना है एक कपड़े में ताकि ये ड्राई ना हो। सो अब हम शुरू कर सकते हैं अपना रैप बनाना, लेकिन उससे पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने इस समय डालनी है, और उसमें से एक है ये हरा धनिया और दूसरा है ये चीज़ जिसको मैं ग्रेट करके अभी इसमें डाल लूँगा। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मोजरेला चीज़, आप चाहे चेडर चीज़ भी डाल सकते हो। सो ये जो मोजरेला चीज़ और हरा धनिया मैंने डाला है इनको भी मैं मिक्सर के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। फाइनली हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रैप्स बनाना। सो यहाँ पे मैंने ये तोर्टिया ब्रेड जो मैंने अभी बनाई थी वो ली, और इसके ऊपर लगाना है मैंने थोड़ा सा मेयोनेज, आप चाहे तो गार्लिक मेयो भी बना के लगा सकते हैं, और उसके बाद मैं डालूंगा ये मिक्सचर, और फिर ये दो साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड करके देन यहां से हम बनाएंगे इसका एक रैप। सो ये मेरा एक रैप जो है वो रेडी हो चुका है। सो इसी तरह मैं सारे के सारे रैप्स बना लूंगा। सो दोस्तों रैप्स मेरे सारे रेडी हो चुके हैं, और जैसे कि हम लोग सारे के सारे रैप्स को बंद करने के लिए यानी कि सील करने के लिए हल्का सा ये जो मैदे का घोल है ये लगा के इसको बंद करते हैं, तो इस तरह से हम सील कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा और पानी मिक्स करके एक गम जैसा हम बना लेंगे, और इससे हमने सारे जो रैप्स हैं उनको सील करना है, यानी कि यहाँ से जो ओपनिंग है ये चिपका देनी है ताकि ये सेकते समय खुले ना। सो ये रैप्स रेडी होके सील भी हो चुके हैं, तो चलिए अब इनको सेक लेते हैं। सो एक पैन में मैंने थोड़ा सा बटर या ऑलिव ऑयल लेना है, और उसके अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद में हम लोग अपने जो रैप्स हैं वो डालेंगे पैन में। सो एक बार में दो रैप करूँगा मैं ताकि हमको इसको पलटने के लिए भी जगह मिल जाए, और फिर इन रैप्स को ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने चारों तरफ से पका लेना है। अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप ग्रिल भी कर सकते हो इन्हें। सो मेरे जो रैप्स हैं ये अच्छे से सिक चुके हैं चारों तरफ से, तो इन्हें अब मैं निकाल लेता हूँ। सो दोस्तों ये मेरे जो रैप्स हैं ये बिल्कुल रेडी हैं सिक के, और इनको एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी रेसिपी बोरितोस की, और अब समय है आज की हमारी कुकिंग टिप का। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दाल को बनाने से पहले हमें उसे भिगा लेना चाहिए, इससे उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाता है। तो दालों को अच्छे से भिगाने के बाद में हमने उनका पानी निकालना है, और उसके बाद दाल को पकाने से पहले उसको घी में भूनना है, इससे दाल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है और आपको एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा घी का
जो कि हमको दाल में बहुत अच्छा लगता है। तो ये टिप भी यूज करके मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे जल्दी एक और रेसिपी के साथ में। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।